हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो नेक्स्ट चैप्टर, ये नाइन्थ चैप्टर है कोरोजन। कोरोजन मतलब संक्षारण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे ज़रूर 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो कोरोजन मतलब जैसे एक लोहे में जंग लगना, एक कोरोजन का ही एग्जांपल है। चांदी आपने देखी होगी कि काली पड़ जाती है, तो वो भी एक कोरोजन का ही एग्जांपल है। तो कोरोजन का मतलब होता है कि मेटल सरफेस का, मेटल का या एलॉयज मतलब मिश्र धातुओं का केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक के द्वारा जो इन्वायरमेंटल ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि वातावरण की जो नमी होती है, इन्वायरमेंट में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनकी वजह से मेटल सरफेस का ख़राब होना, जो धातु की सतह होती है उनका ख़राब होना, वही प्रोसेस कहलाती है कोरोजन यानी कि संक्षारण। तो लोहे में जो जंग लगती है वो क्यों लगती है? क्योंकि जब वो मॉइस्चर के यानी कि वातावरण की नमी के या फिर किसी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं, तभी उसमें जो है मेटल की सरफेस ख़राब होने लगती है। तो कोरोजन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल और एलॉय ड्यू टू केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक बाय इन्वायरमेंटल गैसेस एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब मेटल की सरफेस का ख़राब होना ड्यू टू केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक, मतलब जो रासायनिक और जो विद्युत रासायनिक जो रिएक्शन होती हैं उनकी वजह से, वो भी किसकी वजह से? जो इन्वायरमेंटल गैसेस हैं और इन्वायरमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर है उसकी वजह से। तो वातावरण के अंदर जो गैसेस हैं एंड जो नमी है, तो नमी और वातावरण की जो गैसें हैं उनकी रिएक्शन जब मेटल की सरफेस के साथ होने लगती है, तो मेटल की सरफेस यानी कि धातु की सतह जो है वो ख़राब होने लगती है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कोरोजन यानी कि संक्षारण। तो कोरोजन के पहले टाइप बता देते हैं, दो टाइप होते हैं, एक एटमॉस्फेरिक कोरोजन और एक इमर्स्ड कोरोजन। एटमॉस्फेरिक कोरोजन जिसको हिंदी में हम वायुमंडलीय संक्षारण बोलते हैं, और इमर्स्ड कोरोजन जिसको हम निमज्जित संक्षारण बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक कोरोजन जो है इसको ड्राई कोरोजन या फिर केमिकल कोरोजन भी कहा जाता है। ड्राई कोरोजन मतलब शुष्क संक्षारण या फिर रासायनिक संक्षारण बोलते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर की गैसेस और एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट मॉइस्चर होता है उसकी वजह से होता है। और इमर्स्ड कोरोजन जो है इसको हम वेट कोरोजन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी बोलते हैं। तो वेट मतलब नम संक्षारण और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन मतलब विद्युत रासायनिक संक्षारण। ये टाइप्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। किसी भी नाम से टॉपिक पूछा जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के नाम से ही पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन क्या है। तो नम या विद्युत रासायनिक संक्षारण भी इसको बोलते हैं। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जब लिक्विड के किसी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जब मेटल आती है तो उसमें जब कोरोजन होता है तो वो कहलाता है इमर्स्ड कोरोजन, वेट कोरोजन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक कोरोजन बता देती हूँ कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ड्राई और केमिकल कोरोजन। दिस कोरोजन इज caused due to the chemical reaction when the surface of metal comes in contact with atmospheric gases like O2, SO2, H2S, halogen, etc. For example, oxide corrosion. मतलब ये corrosion कब होता है? जब chemical reaction होती है metal surface की atmospheric gases के साथ। तो atmospheric gases जो हैं ये दी हुई हैं, जो atmosphere में present होती हैं, ये gases जब reaction करती हैं, contact में आती हैं metal surface के साथ में, तो उनकी वजह से जो chemical reaction होने लगती है metal surface पे, तो उसकी वजह से जो corrosion होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक कोरोजन या फिर वायुमंडल संक्षारण कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ऑक्साइड कोरोजन। ऑक्साइड कोरोजन का मतलब कि देखा होगा कि आपने मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, परत जम जाती है, तो उसी को हम एटमॉस्फेरिक कोरोजन बोलते हैं। सेकेंड है इमर्स्ड कोरोजन, जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, मतलब नम और विद्युत रासायनिक संक्षारण कहते हैं। ये तब होता है जब मेटल किसी सॉल्यूशन के मतलब पानी या फिर किसी यानी अदर लिक्विड के कांटेक्ट में आती है, तो उनके जो मेटल होती है वो मेटल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क करने लगती है। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, कि जब कोई मेटल रॉड इलेक्ट्रो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रहते हैं तो वो जो मेटल रॉड होती हैं वो इलेक्ट्रोड की तरह काम करने लगती हैं। तो यहाँ पे सेम वही कंडीशन बन जाती है कि जब मेटल किसी
मतलब सॉल्यूशन में या वाटर में पार्शियली डिप्ड होती है, मतलब थोड़ी सी डूबी हुई होती है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वो वर्क करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाते हैं, विद्युत रासायनिक सेल बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो मेटल सरफेस होती है उसमें वो एक एनोड की तरह और एक कैथोड की तरह वर्क करने लगती है। तो इस वजह से जो एनोड होते हैं, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड पे जाने लगते हैं, जिससे जो एनोड वाला मेटल होता है वो उसमें कोरोजन हो जाता है और कैथोड वाला सेफ रहता है। तो ये इमर्स्ड कोरोजन कहलाता है। तो यहाँ पे बता देती हूँ, इट इज़ कॉज्ड व्हेन मेटल इज़ इमर्स्ड कम्प्लीटली और पार्शियली इन टू वाटर और एनी अदर लिक्विड। इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हेन द मेटल कम्स इन कॉन्टेक्ट विद मॉइस्ट एयर, वाटर और एनी अदर लिक्विड। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब बनते हैं? जब मेटल जो है मॉइस्ट एयर यानी कि नम वायु के कॉन्टेक्ट में आए, या फिर वाटर, या फिर एनी अदर लिक्विड के कॉन्टेक्ट में आती है, तो फिर वो इमर्स्ड कोरोजन कहलाता है। इसको डिटेल में अभी आगे थ्योरी भी है उसमें और बता दूंगी आपको। तो इसके जो कुछ एग्जांपल हैं वो हैं बाई मेटेलिक कोरोजन, कंसनट्रेशन सेल कोरोजन, ये जो है इमर्स्ड कोरोजन के ही एग्जांपल हैं। ये भी डिटेल्ड हैं आगे, तो आपको और समझ में आ जाएंगे। तो ये दो टाइप थे, एटमॉस्फेरिक कोरोजन, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि एटमॉस्फेरिक कोरोजन जो एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती है उनकी वजह से जब मेटल सरफेस ख़राब होती है तो वो एटमॉस्फेरिक कोरोजन है। इमर्स्ड कोरोजन या इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन वो कोरोजन है जब मेटल किसी लिक्विड के कॉन्टेक्ट में आती है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनने की वजह से वो कोरोजन कहलाता है, इमर्स्ड कोरोजन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोरोजन, ये टॉपिक भी किसी ना किसी क्वेश्चन के साथ में ऐड होके आ जाता है। तो संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसके मतलब क्या कारक हैं या क्या फैक्टर्स हैं जिन से जो है कोरोजन की रेट जो है यानी कि संक्षारण की जो दर है वो बढ़ती है या घटती है, मतलब कोरोजन की जो रिएक्शन है वो तेज़ हो रही है या धीमी हो रही है, तो उसी से रिलेटेड ये फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है पोजीशन इन गैल्वेनिक सीरीज़। गैल्वेनिक सीरीज़ भी एक टॉपिक है, आपको वो आगे पढ़ाऊंगी। गैल्वेनिक सीरीज़ या फिर जो है इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी बोलते हैं। तो गैल्वेनिक सीरीज़ में क्या है कि मेटल्स को अरेंज किया गया है, मेटल्स और एलॉयज़ जो है उनको अरेंज किया गया है उनके एक्टिविटी के बेस पे। जो मोर एक्टिव मेटल हैं वो उस सीरीज़ में ऊपर की साइड अरेंज हैं, और जो लेस एक्टिव हैं वैसे वैसे वो नीचे की तरफ। तो जो एक्टिव मेटल हैं वो ज़्यादा रिएक्शन करती हैं यानी कि उनमें ज़्यादा कोरोजन होता है, और जो कम एक्टिव मेटल हैं उनमें एज़ कम्पेयर टू एक्टिव मेटल के कम कोरोजन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि पोजीशन इन गैल्वेनिक सीरीज़ यानी कि जब दो मेटल, व्हेन टू मेटल्स आर इन कॉन्टेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द मोर एक्टिव मेटल विच इज़ हायर अप इन गैल्वेनिक सीरीज अंडरगोज़ मोर कोरोजन। यानी कि जब दो मेटल को हम किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो जो मोर एक्टिव मेटल है जो गैल्वेनिक सीरीज में ऊपर की तरफ अरेंज है, जो मोर एक्टिव मेटल है वो क्या होगा, अंडरगोज़ कोरोजन, मोर कोरोजन, यानी कि एज़ कम्पेयर टू नीचे वाली जो मेटल है उनके कंपेयर में जो गैल्वेनिक सीरीज में ऊपर की तरफ रखी हुई मेटल है उनमें कोरोजन ज़्यादा होगा। तो सेकेंड पॉइंट है रिलेटिव एरियाज ऑफ एनोडिक एंड कैथोडिक पार्ट्स। तो ये है जो एनोडिक और कैथोडिक पार्ट्स बन जाते हैं किसी मेटल में उससे रिलेटेड, द कोरोजन ऑफ एनोडिक पार्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ कैथोडिक एंड एनोडिक पार्ट्स। तो इसमें क्या है कि इन केस द एरिया ऑफ एनोड इज स्मॉल द कोरोजन इज मोर रैपिड एंड हाईली लोकलाइज्ड। यानी कि जो एनोडिक पार्ट होता है, जो एनोडिक क्षेत्र होता है वो जो है वो अगर स्मॉल होता है तो उसमें कोरोजन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बड़ा अगर पार्ट है उसके कंपेयर में। थर्ड है प्योरिटी ऑफ मेटल। प्योरिटी ऑफ मेटल मतलब धातु की शुद्धता। मेटल जितनी ज़्यादा शुद्ध होगी उतना ही ज़्यादा मतलब मेटल में कोरोजन कम होगा, यानी कि जो रेट ऑफ कोरोजन है वो इंक्रीज़ होता है इम्प्योरिटीज़ की वजह से। यानी कि अशुद्धियाँ अगर प्रेजेंट होंगी मेटल में
तो कोरोजन रेट जो है, कोरोजन रेट और कोरोजन की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। इंक्रीजिंग इम्प्योरिटीज़ इन मेटल इंक्रीजेज रेट एंड एक्सटेंट ऑफ कोरोजन, यानी कि जो शुद्ध धातु होती है उसमें कोरोजन नहीं होता है, कम हो, और जो जिसमें इम्प्योरिटीज़ मिलती जाएंगी वैसे वैसे कोरोजन का रेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। फोर्थ है पैसिविटी ऑफ मेटल। तो पैसिव मेटल जो होती हैं, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकल एंड कोबाल्ट, एग्जिबिट मच हायर कोरोजन रेजिस्टेंस। मतलब कि जो पैसिव मेटल होती हैं ये कोरोजन को रोकने की क्षमता इनके अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो अदर मेटल्स हैं। इसके बाद टेम्परेचर, मतलब तापमान। तो जैसे जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो कोरोजन का रेट भी बढ़ता है। ड्यू टू राइज टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीजेज, यानी कि क्योंकि पता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, रिएक्शन का रेट बढ़ता है। तो एक कोरोजन भी एक रिएक्शन है, तो यहाँ पे कोरोजन का रेट यानी कि अभी जो अभिक्रिया की दर है और कोरोजन की जो दर है संक्षारण की दर वो बढ़ती जाती है। ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी के नाम से ही समझ गए होंगे कि ह्यूमिडिटी जहाँ भी ज़्यादा होगी तो वो कोरोजन को इन्हेंस करेगी। तो ह्यूमिड एटमोसफियर इन्हेंस द रेट ऑफ कोरोजन। तो जहाँ पे वायु नम होगी तो वहाँ पे संक्षारण भी ज़्यादा होगा। इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच, तो इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच में यहाँ पे जैसे आपको पता है कि एसिडिक मीडियम का पीएच जो है वो कम होता है और एल्कलाइन मीडियम का पीएच जो है ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो एसिडिक मीडियम हैविंग मोर कोरोजन, यानी कि जहाँ पे पीएच कम होगा वहाँ पे कोरोजन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल मीडियम एंड एल्कलाइन मीडियम, यानी कि जो उदासीन सॉल्यूशन विलयन है और जो क्षारीय विलयन है उनके कंपेयर में जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें कोरोजन संक्षारण जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे एंड टाइप्स ऑफ कोरोजन भी क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।